हरदोई जिले में चल रहा है अपराधियों के खिलाफ अभियान। बिलग्राम पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। स्वाट टीम की मदद से थाना बिलग्राम पुलिस ने 50,000 का इनामी अभियुक्त अवधेश जायसवाल पुत्र रामकिशोर जायसवाल को किया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा व कारतूस बरामद किया गया। ये काफी समय से गैंगस्टर के मुकदमे में वांछित चल रहा था, अभी अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर अवैध स्मैक व अन्य प्रकार के पदार्थ की तस्करी करता है। पुलिस ने उसे पकड़कर जेल भेज दिया है। जेल में बंद कैदियों को सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, जिससे कैदियों में कुछ न कुछ सुधार हो सके, लेकिन जेल के अंदर से ऐसी तस्वीरें सामने आ जाती हैं जिससे जेल प्रशासन के साथ साथ सरकार पर भी सवालिया निशान लगने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जालौन के उरई जिला कारागार में इन दिनों अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। यहाँ कैदियों में सुधार किया जा सके और उन्हें समाज के लिए अच्छा बनाया जा सके, उसके लिए जिला कारागार प्रशासन द्वारा ओलंपियाड खेलों का आयोजन कराया जा रहा है और इन्हीं खेलों में शिरकत करने के लिए यूपी सरकार के परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जिला कारागार उरई में कैदियों के बीच पहुंचकर उनकी हौसला अफजाई की, जिससे कैदी जब जेल से छूटे तो वह अपराध की तरफ न जाकर सामाजिक कार्यों में रुचि लें। मैं देखा जेल अधीक्षक द्वारा जो प्रयास चल रहा है, ऐसे जेल के अंदर भी प्रतिभावान बच्चे होते हैं तो खेल का प्रतियोगिता है, निबंध प्रतियोगिता है, प्रेम और संस्कार जिस प्रकार कैदियों के अंदर कि जेल के अंदर भी आपस में भाईचारे जैसा संबंध बना कर रहे हैं, ये जो आप प्रयास कर रहे हैं ये बहुत अच्छा प्रयास है। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं। उन लोगों का मैं आज भी देखा, अभी वॉलीबॉल का मैच देखा, दोनों टीम के अंदर जेल के अंदर ही जेल के ही जो कैदी वहीं खेल रहे थे, बहुत सुंदर गेम खेला उन्होंने और बच्चों के अंदर प्रतिभा भी है इस प्रकार की, इसलिए जिस जो प्रयास कर रहे हैं ये माननीय योगी जी के सपनों को साकार करने का, सभी जेलों में इस प्रकार का प्रयास करना चाहिए।